हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपका तीसरा सेक्शन लेने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक्चर वन में हमने एनसी इंडिया का पूरा टॉपिक डिस्कशन किया, साथ में एमसीक्यू भी लिया हमने। फिर हमने मेडिवल हिस्ट्री में पूरा डिटेल में स्टडी किया और उसके बाद हमने टॉपिक जो लिया कैसे राजपूत इंटर किए, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और हिमाचल प्रदेश, मुगल्स और हिमाचल प्रदेश। आज हम जो उस कंटिन्यूटी को आगे कंटिन्यू करें लेक्चर्स को, और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री लेने जा रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो पैरा लेक्चर आपका है सिख और हिमाचल प्रदेश, सिख लोग हिमाचल प्रदेश से कैसे जुड़े हैं, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले पूरा मॉडर्न इंडिया डिस्कशन के बाद लास्ट सीन्स पर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में हिमाचल प्रदेश में मॉडर्न हिस्ट्री पर क्वेश्चन क्या टाइप हो सकते हैं और क्या आ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहला देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है सिख एंड हिमाचल प्रदेश। पहला चैप्टर हम लोग पिकअप करेंगे कैसे लोग सिख लोग हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग डिस्कस करें कि सिख क्या होता है। तो सिख कहते हैं कि जो लोग गुरु नानक देव जी के टीचिंग में बिलीव करते हैं, शिक्षा में, उनको सिख कहते हैं, सिख कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना आपको पता है गुरु नानक देव जी ने किया था, और गुरु नानक देव जी भी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो ऐसा फैक्ट मिलता है कि गुरु नानक देव जी ने कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, चंबा और लाहौल स्पीति को विजिट किया था। और इसका सबसे बेस्ट सिंगा कि मणिकरण का गुरुद्वारा, आपको पता है मणिकरण क्यों फेमस है, और मणिकरण में गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, इसका मतलब कुल्लू विजिट किए थे। तो ऐसा एविडेंस मिलता है कि इन जगह गुरु नानक देव जी ने विजिट किए जो हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। तो ये चैप्टर का नाम है सिख एंड हिमाचल प्रदेश, मैंने सिख गुरु कैसे हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं, प्लस हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या इस पर फैक्ट्स बन सकते हैं। तो पहले गुरु हमारे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं जिनका नाम है गुरु नानक देव जी। फिर गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी पंजाब में, आपको पता है, और बहुत ही पॉपुलर धर्म था कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से ये लोकप्रिय धर्म है। और हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं गुरु नानक देव जी। फिर सिख के आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी लिया कि कौन कौन गुरु हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। अब पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव जी का फोटो आप देख सकते हैं। तो गुरु अर्जुन देव जी हिमाचल प्रदेश से इसलिए जुड़े हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने गोल्डन टेम्पल, जिसको आप पहले हरविंदर साहिब कहते थे, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें हिमाचल के राजाओं से मदद मांगे थे कि गोल्ड हरविंदर साहिब के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया जाए। वैसे आपको पता है कि तो किस किस से माने कि कहां कहां उन्हें किस किस राजाओं ने गुरु को हेल्प किया था, जैसे मंडी, कुल्लू, सुकेत, चंबा और हरिपुर। इन हिमाचल के राजाओं ने एक तरह से डोनेशन दिए थे गुरु अर्जुन देव जी को हरमिंदर साहिब के माने गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। गोल्डन टेम्पल के बारे में आपको पता है कि पहले इसको हरमिंदर साहिब कहते हैं, और रंजीत सिंह ने इसके ऊपर चारों तरफ गोल्ड चढ़ा दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने इसका नाम गोल्डन टेम्पल दे दिया। तो फिफ्थ गुरु अर्जुन देव जी भी एक तरह से हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। और उन्हें पूछे कैसे क्यों जुड़े हैं, तो गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का जो पूरा काम हुआ था वो गुरु अर्जुन देव जी के समय ही हुआ था, और उसमें हिमाचल के राजाओं ने एक तरह से डोनेशन दिया था। तो ये फिफ्थ गुरु भी जुड़े हुए हैं। आप मैप पर देख सकते हैं गुरु नानक देव जी भी जुड़े हुए हैं, गुरु अर्जुन देव जी, और किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, गुरु अर्जुन देव जी हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। और गोल्डन टेम्पल का निर्माण एक तरह से गुरु अर्जुन देव जी के समय ही पूरा हुआ था। ये हमारा है, दो हमने गुरु लिए। नेक्स्ट गुरु देखते हैं हम लोग। अब सिक्स गुरु जुड़े हैं, सिक्स गुरु गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद के बारे में कि गुरु अर्जुन देव जी के बेटे थे, और इनको कहते हैं कि सिखों के एक तरह से इन्हें मिलिट्री रेस में कन्वर्ट कर दिया। इनके समय एक परंपरा हो गई कि गुरु लोग तलवार रखने लगे। तो ये कैसे जुड़े हिमाचल प्रदेश से? तो कहते हैं कि जो सिक्स गुरु हरगोबिंद जी थे उन्हें किरतपुर की स्थापना की थी, और जो किरतपुर की स्थापना के लिए जो लैंड जो लिया था उन्हें जगह, उस वो जगह था राजा कह लो बिलासपुर के राजा ने इनको लैंड डोनेट किया था, और उसी लैंड के ऊपर गुरु हरगोबिंद जी ने किरतपुर की स्थापना की थी। तो ये भी सिक्स गुरु भी जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गुरु हरगोबिंद सिंह कैसे हिमाचल से जुड़े हुए हैं, तो जिस लैंड पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था किरतपुर का, उस लैंड राजा ऑफ कैलूर मैंने बिलासपुर के राजा ने दिया था। फिर गुरु तेग बहादुर जी, ये भी हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। कहते कि इन्हें एक नए शहर की स्थापना की थी शिवालिक हिल्स में, जिसको आनंदपुर साहिब कहते हैं।
तो आनंदपुर साहिब का जो जगह जो कंस्ट्रक्शन किया इन्हें, वो भी राजा ने, बिलासपुर के राजा ने इनको लैंड डोनेट किया था। तो ये दो गुरु गए, उसके बाद 10th गुरु गोविंद सिंह भी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं। इनके ऊपर क्या क्या फैक्ट्स है देखिए, जो पहला फैक्ट है देखिए, तो 10th गुरु गोविंद सिंह का काफी दिन हिमाचल में रहे। जैसे आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्हें 5 साल पौंटा साहिब में व्यतीत किया था, और वहीं पर गुरु सिखों का होली बुक है, सिखों की होली बुक की मैंने पवित्र ग्रंथ की रचना की थी, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। फिर कहते हैं कि इन्हें लड़ाई भी लड़े हैं जो हिमाचल से लिंक है। एक तो पहली लड़ाई है बैटल ऑफ भांगनी, बैटल ऑफ भांगनी में कहते हैं कि इन्हें 3 अलायंस को हराया था, गढ़वाल के राजा को, उसके बाद हिंदौर के राजा को और बिलासपुर के राजा के, तीनों को डिफीट किया था। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बैटल ऑफ भांगनी, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। तो अब यही जी बैटल ऑफ जो भांगनी है आपको याद रखना है, डेट 1686 में हुआ था और 3 अलायंस के बीच में हुआ था, 3 अलायंस के बीच में लड़ाई हुआ था। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते कि गुरु गोविंद सिंह के तीर से कौन सा राजा मारा गया था, कहां का राजा मारा गया था बैटल ऑफ भांगनी में। तो आपको पता है कि हिंदौर का राजा, मतलब नालागढ़ का राजा मारा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी पता है। फिर दूसरा हुआ बैटल ऑफ नौदौन। तो बैटल ऑफ नौदौन में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह ने, चूंकि उन्हें आनंदपुर साहिब की जो स्थापना हुई थी वो राजा बिलासपुर के राजा ने दिए थे, डोनेट किए थे, और राजा बिलासपुर के राजा ने गुरु गोविंद सिंह से मदद मांगे थे मुगलों के अगेंस्ट में, और गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर के राजा को मदद किए, और उसी बैटल जिसको बैटल ऑफ नौदौन कहते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को डिफीट किया था। फिर और भी फैक्ट है कि कहते कि आनंदपुर साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी, 13 अप्रैल 1699 में खालसा की स्थापना की थी। तो ये हमने डिस्कस किया कि आपको पता है कि सिखों में 10th गुरु है, 1 से लेकर 10 गुरु है, और कौन कौन से गुरु हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई तो कहते कि गुरु सिख खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, जो गुरु होगा उनकी होली बुक जिसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, तो ग्रंथ साहिब को ही एक तरह से होली बुक बना दिया। बाकी एक तरह से कहते गुरु सिख तो खत्म हो गया, बाकी गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद बंदा सिंह बहादुर एक तरह से पॉलिटिकल लीडर के रूप में पंजाब में इमर्ज किया, जो गुरु का एक तरह से शिष्य था। फिर बंदा सिंह बहादुर की हत्या कहते कि मुगल एम्पायर फारूक सियर के समय कर दी गई। फिर क्या हुआ कि एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इसके बाद कपूर सिंह का राइज हुआ, पंजाब में कपूर सिंह का राइज हुआ, और कपूर सिंह के अंदर ही पंजाब में 12 मिसल्स का राइज हुआ। तो इन 12 मिसल्स में से 3 मिसल्स जो है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि कौन से जो 3 मिसल्स है जो हिमाचल प्रदेश से लिंक है। तो मैंने क्या बताया कि गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो गई तो गुरु सिख खत्म हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु बन गया, और एक पॉलिटिकल लीडर का राइज हुआ पंजाब में जिसको कहते हैं बंदा सिंह बहादुर के रूप में राइज हुआ। बाकी बंदा सिंह बहादुर को की जो हत्या है फारूक शेर के समय कर दी गई, मुगल एम्पायर फारूक शेर के समय। उसके बाद पंजाब के लोगों ने कपूर सिंह को अपना लीडर चुना, कपूर सिंह के अंदर ही 12 मिसल्स का राइज हुआ, और इसमें से 3 मिसल्स है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए इसमें से जो पहला मिसल्स है, क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिसल्स, 12 मिसल्स, मिसल्स का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन, माने कॉन्फेडरेशन माने एक संघ था। तो कौन कौन से मिसल हिमाचल के अटैक से जुड़े हुए हैं, तो आप देखिए पहला मिसल जो हिमाचल पर अटैक किया था उसका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया, पहला मिसल था। फिर दूसरा मिसल जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा उसका नाम है कन्हैया मिसल्स। कन्हैया मिसल्स के बारे में फैक्ट है कि घमाचंद की जब डेथ हो गई तो मुगलों का अधिकार एक तरह से कांगड़ा फोर्ट पर था, और संसार चंद जो थे वो कांगड़ा फोर्ट को प्राप्त करना चाहते थे, एक्वायर करना चाहते थे, और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए राजा संसार चंद अब कांगड़ा के, उनने क्या हुआ कि कन्हैया मिसल से मदद मांगी कि मेरे को मदद करो कांगड़ा का किला मुगलों से लेने के लिए। कन्हैया मिसल्स ने मदद किए, बाकी कन्हैया मिसल को लालच आ गई,
वो चाहता था कि कांगड़ा का किला मैं खुद रखूं। इसी बीच में रंजीत सिंह इंटर किए और मेडिएटर के रूप में काम किए, और इनने ये बात बोला जो कांगड़ा का किला हो रंजीत सिंह के पास रहेगा और कांगड़ा किले के अंदर का जो सामान होगा कन्हैया मिसल्स के पास जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, कन्हैया मिसल्स ने एक तरह से संसार चंद को ट्रांसफर कर दिया। बाकी इसी बीच में एक और भी इवेंट हुआ कि पंजाब में 12 मिसल्स में से एक तीसरा मिसल था जिससे रंजीत सिंह बिलोंग करते, जिसको सुकर चकिया मिसल्स कहते हैं। सुकर चकिया मिसल्स, सुकर चकिया। तो रंजीत सिंह इसी मिसल से बिलोंग करते थे, सुकर चकिया मिसल। अब रंजीत सिंह का पंजाब में राइज हुआ, रंजीत सिंह ने एक मॉडर्न पंजाब की स्थापना की, और रंजीत सिंह का कैपिटल लाहौर था, एक बड़े राज्य की स्थापना की, और रंजीत सिंह भी एक्सपेंशन पॉलिसी विस्तारवादी नीति को अपनाया। बाकी इसी बीच में क्या हुआ कि जब रंजीत सिंह अपना जब एक्सपेंशन करे तो इधर हिमाचल में संसार चंद का राइज हुआ। अब संसार चंद ने क्या किया कि इसने भी एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाया और इसने क्या कि बिलासपुर पर, मंडी पर, चंबा पर अटैक किया। अब बिलासपुर के राजा ने क्या हुआ कि नेपाल से अमर सिंह थापा को बुला लिया। आपको स्टोरी बता, अमर सिंह थापा जब आया नेपाल से तो उन्हें संसार चंद को डिफीट कर दिया। अब संसार चंद भागते हुए रंजीत सिंह के पास गए कि मुझे मदद करो, अमर सिंह थापा से बचाओ। और फाइनली क्या हुआ कि रंजीत सिंह ने एक सख्त कंडीशन रख दिया कि मैं तुमको संसार चंद से तभी संसार चंद के सामने एक कंडीशन रखा कि तुमको अमर सिंह थापा से तभी बचाऊंगा जब मुझे कांगड़ा का किला दे दो। अब संसार चंद तभी एक संधि हुई जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी टीटी, और ज्वालामुखी टीटी के द्वारा क्या हुआ कि रंजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को डिफीट किया और कांगड़ा के किले को अधिकार कर लिया। और कहते कि और उन्हें अपने जमाने में कहते कि रंजीत सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर की स्थापना की, और उनके पास एशिया की वन ऑफ द अंग्रेज बेस्ट आर्मी थी, अंग्रेजों के पास सबसे अधिक फौज रंजीत सिंह के पास थी, और एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाया और बहुत से हिल स्टेट को भी डिफीट किया, और एक तरह से पंजाब में भी उनको मर्ज किया। फिर क्या होता है कि जब उन्हें कांगड़ा किला पर अधिकार कर लिया रंजीत सिंह ने, तो क्वेश्चन आता है कि उसका पहला गवर्नर कौन बना, तो दस्सा सिंह मजेठिया पहला इसका गवर्नर बना। फिर क्या हुआ, जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो एक सिख एम्पायर एक तरह से डिक्लाइन कर गया, क्योंकि रंजीत सिंह के जितने भी बेटे थे वो गद्दी के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। इसी बीच में अंग्रेजों का राइज हुआ, ब्रिटिश का फाइनली राइज हुआ, और ब्रिटिश ने फाइनली किया गया पंजाब को भी कैप्चर किया और कांगड़ा के किले को भी कैप्चर कर लिया। तो ब्रिटिश ने पंजाब के साथ दो लड़ाई लड़े, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, जो हम लोग अलग से टॉपिक में करेंगे। जब ब्रिटिश लग हुआ जब राइज हुआ तो कांगड़ा किले को भी कैप्चर कर लिया। तो ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक था, सिख और हिमाचल प्रदेश, सिख हिमाचल प्रदेश से कैसे जुड़े हुए हैं। तो आपने बताया कि पहले सारे गुरु कौन कौन से गुरु हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ, पहला हमने डिस्कशन किया। दूसरा हमने डिस्कस किया कि पंजाब में 12 मिसल्स हुआ, 3 मिसल्स जुड़े हुए हैं, और फिर रंजीत सिंह के बारे में डिस्कस किया कि रंजीत सिंह ने कांगड़ा किले को कैसे अक्वायर किया और कौन सी संधि हुई, और फिर अमर सिंह थापा को कैसे डिफीट करके उन्हें कांगड़ा किले को प्राप्त किया। जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो अंग्रेजों ने पंजाब के साथ दो लड़ाई लड़े, फर्स्ट एंग्लो सिख वार और सेकंड एंग्लो सिख वार, और इन दोनों लड़ाई में अंग्रेजों ने पंजाब को डिफीट करके फाइनली पंजाब को भी कैप्चर कर लिया और साथ में कांगड़ा किला भी अंग्रेजों के पास आ गया। तो ये हमारा आज पहला मॉडर्न इंडिया का लेक्चर है, जिसको अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर से हम लोग मिलते हैं आगे, और फिर लेक्चर को कल कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड टॉपिक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।